नमस्ते, कैसे हो आप? मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और जो थॉट्स और फीलिंग्स आ रही है उसको जाने देना है। तो मेरे साथ पहले आप मेडिटेशन करिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम ये लाइव सेशन शुरू करेंगे। तो दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। हाय गाइस, कैसे चल रहा है आपका डे? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट, यार मुझे पता नहीं होगा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो, मतलब आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट। आई एम नॉट द राइट गाय टू लाइक टॉक अबाउट इट। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको ठीक से? एचओसीडी, रूमिनेशन वगैरह जो है, तो देखो थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ेंगे। थॉट्स को जाने दो, कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड यूज़ करो। कॉग्निटिव डिफ्यूजन मेथड जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का है, वो ये बोलता है कि जो विचार है वो तुम नहीं हो। विचार तो दिमाग में कुछ भी चलते रहेंगे, ऐसे जैसे म्यूजिक की कैसेट पीछे चल रही है ना, गाना। अब गाने में चल रहा है कि मैं बाहर बन के उड़ूंगा और मैं कुएं में कूदूंगा, तो तुम कूदोगे नहीं ना, तुम गाना सुनोगे और जो काम कर रहे हो उसी पे। तो अपने विचारों को भी, तुम्हें पता है कि ये जो इंट्रूसिव विचार है वो कैसेट की तरह बजते रहते हैं, वो तुमको नहीं चाहिए, वो विचार वो बज रहे हैं बस। तो तुमको उन विचारों को वैसे ही समझना होगा कि उन विचारों को जाने देना है, उन विचारों से उलझना नहीं है, वही कॉग्निटिव डिफ्यूजन है। तुम समझो कि तुम तुम्हारे विचार नहीं है, विचार तो कुछ भी आते रहेंगे। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे विचार आते रहेंगे, अरे मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको सोच के ख़राब नहीं होगा ना, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूँ तो मेरी लाइफ बेटर होगी, क्यों नहीं होगी? हाय, यस आई हैव कंप्लीटली मैनेज माय डी, मैं ओसीडी को मैनेज ठीक से। ईआरपी फॉर प्योर ओसीडी है कि देखो, ईआरपी जो कंटामिनेशन ओसीडी वगैरह के लिए तो होता है कि आप हाथ में सोचो या कुछ जो चीज़ गंदी है, आपको लग रहा है गंदी है, उसको छुओ और अपने कंपल्शन मत करो। जो प्योर ओ में आप ना अपने विचारों से डर रहे हो, बेसिकली आपका जो डर है वो आपके विचारों से है। तो आप अपने विचारों के बारे में सोचो जिनसे आपको डर लगता है, जिन विचारों को आप सोच के आप भागते हो, उनको आप जबरदस्ती सोचो और उनको फिर फेस करो, ठीक है? डॉक्टर ग्रीनबर्ग की कौन सी किताब है? मे बी मैंने किताब पढ़ी होगी और मुझे उनका नाम से वैसे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इंट्रूसिव विचारों के ऊपर एक थॉट है। पीयूष धूमल, हेलो सर, लव योर वीडियोस, थैंक्स पीयूष। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है संदीप, तुम ये जो टाइप कर रहे हो ना वो तुम अपने दिमाग की वजह से यूज़ कर रहे हो। तो तुम्हारा काम कर रहा है दिमाग, तुम इतना अपने आप सेल्फ क्रिटिकल मत हो आप। तो मतलब कि अपना 100% बेस्ट दो। एंड यस, आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या करते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेन चीज जो है कॉग्निटिव डिफ्यूजन की, आप अपने विचारों को समझो, अपने विचारों से भागो मत, अपने विचारों से उलझो मत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अपने आप को बिजी रखना भी इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं है कि जबरदस्ती बस काम करते जा रहे हैं। रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जो